हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन इंपोर्ट। इन प्रीवियस सेशन वी हैव अंडरस्टूड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनका क्या इंपोर्टेंस होता है, वो इस सेशन में हम समझेंगे। So, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कमर्शियल प्रस्पेक्टिव, लीगल प्रस्पेक्टिव एंड इंसेंटिव एंड ड्यूटी फ्री प्रस्पेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं कमर्शियल प्रस्पेक्टिव। जैसा कि एक्सपोर्ट में भी हमने देखा था कि कमर्शियल प्रस्पेक्टिव में जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो आते हैं इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, परचेज ऑर्डर एंड पीआई। सो यहाँ पे कमर्शियल प्रस्पेक्टिव का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स एज ए पेमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट होते हैं, जिन डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट होती है, वो डॉक्यूमेंट होते हैं कमर्शियल डॉक्यूमेंट। इसलिए इनवॉइस को हम कहते हैं कमर्शियल इनवॉइस, क्योंकि ये हमारा एक एज ए बिल हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कमर्शियल इनवॉइस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कमर्शियल इनवॉइस में क्या क्या डिटेल्स होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कमर्शियल इनवॉइस में हम अपने बायर की डिटेल लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इंपोर्टर हैं तो हम हमारा जो सप्लायर है वो इन्वॉइस बना के देगा, उसमें हमारी डिटेल लिखेगा, उसका एड्रेस डालेगा, और जो हमने गुड्स उससे मांगे हैं उसकी डिटेल्स मेंशन करेगा, और गुड्स किस पोर्ट ऑफ लोडिंग से आएंगे और उसकी गुड्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, एचएस कोड क्या है, इसके अलावा जो भी लाइसेंस या अलग फॉर्मेलिटीज है उन सब चीज़ों की डिटेल मेंशन करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पैकिंग लिस्ट, उसमें गुड्स की पैकिंग डिटेल मेंशन की जाएगी कि कंटेनर किस साइज का है, किस वे में इन्होंने पैक किया है, वुडन बॉक्स है या फिर स्टील कैश है। तो इन चीज़ों का पूरी डिटेल पैकिंग लिस्ट में होती है। उसके बाद है परचेज ऑर्डर। सो यहाँ पे परचेज ऑर्डर कौन प्रिपेयर करेगा, यहाँ पे इम्पोर्टर हम है तो हम परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट सप्लायर हमें भेजेगा परफॉर्मा इनवॉइस, वो अपनी डिटेल भेजेगा हमें कि हमारे गुड्स की वैल्यू इतनी है और हम इस टर्म के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी पेमेंट टर्म्स ये रहती हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे क्या होगा, हम अपना परफॉर्मा परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे, तो सारी डिटेल्स में मेंशन करेंगे एज पर परफॉर्मा इनवॉइस, और जो भी हमारे बीच में नेगोशिएशन होगा उसके बेस पे, ठीक है, जो भी रेट नेगोशिएशन होगा, पेमेंट टर्म्स नेगोशिएशन होगी, इनको टर्म्स नेगोशिएशन होगी, उसके बेस पे हम अपना परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करके हम भेज देंगे अपने सप्लायर को, फिर सप्लायर वहाँ से गुड डिस्पैच करके हमें कमर्शियल इनवॉइस शेयर करेगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया आपके कमर्शियली प्रस्पेक्टिव, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस हो गया, इनवॉइस जो होगी वो आपका एज ए बिल यहाँ पे वर्क करती है कमर्शियली इंटरनेशनल लेवल पे, कि आपकी जो कमर्शियल इसमें वैल्यू है वो इंपोर्टर को करनी है सप्लायर के फेवर में, ठीक है। पैकिंग लिस्ट पे डिटेल्स ऑफ पैकिंग एंड परचेज ऑर्डर हो गया कि हम यहाँ पे इंपोर्टर क्या करेगा, एक डिटेल्स बना के देगा कि हमें ये गुड्स खरीदने हैं सप्लायर से और इतने पेमेंट इसकी करेंगे। इस प्रकार से परफॉर्मा इनवॉइस भी सप्लायर पे बनाता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं आपके लीगल प्रस्पेक्टिव, जिसमें लीगली एज ए प्रूफ ऑफ आपको प्रेजेंट करना होता है। तो क्या होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जीएसपी एंड आईसीए जीएसटी, ठीक है। तो ये लीगल गवर्नमेंट कुछ डॉक्यूमेंट हमें गवर्नमेंट को दिखाने होते हैं इंपोर्ट के टाइम पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आ रहा है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, जब भी हम गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, तो एज पर इंटरनेशनल टर्म्स हमें बिल ऑफ लेडिंग प्रेजेंट करना होता है शिपिंग लाइन को। जब हम बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग लाइन को प्रेजेंट करते हैं तब जाके हमें गुड्स की डिलीवरी मिलती है। तो इनका जो लीगल प्रस्पेक्टिव का मतलब यह है कि लीगल एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें पेमेंट प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल, वहां से सप्लायर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके बैंक के थ्रू इम्पोर्टर की बैंक, या मतलब कि हमारी बैंक में भेज रहा है, और हमारी बैंक ये डॉक्यूमेंट हमें देगी और नोटिफाई करेगी कि आपके डॉक्यूमेंट आ चुके हैं शिपमेंट को हैंड ओवर लेने के लिए, शिपमेंट को आप
आप अपनी कस्टडी में लेने के लिए आप ये डॉक्यूमेंट छुड़वाइए और ये पेमेंट करिए। हमारी जो फाइनेंस टीम पेमेंट करेगी और उन पेमेंट के अगेंस्ट में हमें डॉक्यूमेंट मिलेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट हम शिपिंग लाइन को दिखाएंगे कि हमने पेमेंट कर दिए हैं, आप हमें डीओ दीजिए। तो डीओ एक लेटर, एक रिसिप्ट मिलेगी हमें शिपिंग लाइन से, जो कि हमारा जो एजेंट है वो कस्टम पे जाके उन गुड्स की डिलीवरी लेगा। तो ये एक लीगल परस्पेक्टिव हो गया, एक फ्रेमवर्क के थ्रू बिल ऑफ लेडिंग का एक फ्रेमवर्क प्रोसीजर है जिससे हम शिपमेंट की डिलीवरी लेते हैं। इस प्रकार सर्टिफिकेट ओरिजिन, जब सप्लायर वहां से गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा तो वहां की कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। उस पर मेंशन किया जाता है कि दिस गुड्स आर मेड बाय दिस कंट्री। जैसे लाइक अभी हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें तो हमारा सर्टिफिकेट ओरिजिन में लिखा होगा दिस गुड्स मेड इन इंडिया, ठीक है। तो ये वहां की कंट्री इसको सर्टिफाइड करती है, ये गवर्नमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट हो जाता है कि ये लीगली एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। बात करें जीएसपी की, तो जीएसपी भी ये जैसा ही डॉक्यूमेंट है जो कि आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होता है ड्यूटी फ्री करने के लिए, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या इम्पोर्टेंस है, जब जस्ट लाइक हम यहाँ पे इम्पोर्टर है और जो एक्सपोर्टर कंट्री है वो वहां से एक्सपोर्ट कर रही है, तो जीएसपी हो गया, एफटीए हो गया, ये क्या है कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग होती है कंट्रियों के बीच में और एक स्पेसिफिक एरिया के बीच में जो ट्रेडिंग होती है। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपस में एक लीगल ट्रीटी बनाती है, जैसे एशियन ट्रेड, एशियन फ्री ट्रेड एरिया हो गया, ठीक है, जिसमें जापान से वो इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती, पर स्पेसिफिक गुड्स पर, सबके लिए नहीं, उनकी लिस्ट होती है, उन्हीं गुड्स पे वो करता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कार मंगा रहे हो उस पर ड्यूटी फ्री हो जाए, नहीं, बेसिक टाइप के गुड्स पे होती है। तो जीएसपी टाइप का डॉक्यूमेंट होता है वो, लीगली आप जब गुड्स इम्पोर्ट करोगे उस टाइम आपको गवर्नमेंट की बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हुए आपको जीएसपी जीएसपी नंबर या फ्री ट्रेड एरिया के नंबर उसमें मेंशन करना होगा जिससे आपकी ड्यूटी फ्री हो जाएगी। इस प्रकार से आईसी हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये भी लीगल डॉक्यूमेंट है आपका जो कि आपको सर्टिफाइड करता है कि यू आर द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, ओके। इसके अलावा जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया जो कि आपका जीएसटी के बारे में बता रहा है कि आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए हमारे लीगल डॉक्यूमेंट, इनका लीगली प्रस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये लीगली रिक्वायर्ड है एज ए इम्पोर्ट एक्सपोर्टर। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बड़ा मुश्किल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है वी कैन से। अब नेक्स्ट है इंसेंटिव प्रस्पेक्टिव। यहाँ पे इंसेंटिव प्रस्पेक्टिव तो क्या होता है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है एक्सपोर्ट पर, इम्पोर्ट पे तो कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो यहाँ इंसेंटिव का हम कह सकते हैं कि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट स्कीम। जस्ट लाइक जब भी हम गुड्स का इम्पोर्ट करेंगे तो हमें गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है एडवांस अथोराइजेशन, ईपीसीजी लाइसेंस, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट लाइसेंस एंड प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं और हम लीगली इन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम इम्पोर्ट करेंगे तो देर इज नो नीड टू पे ड्यूटी, बट वी नीड टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन विच प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे समझ लेते हैं, एडवांस अथोराइजेशन की बात करें तो क्या होगा कि हम गवर्नमेंट कहती है आप ऐसा मटेरियल, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर सकते हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस में यूज हो और फिर उसका एक्सपोर्ट हो, तो उस पर आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। सेम ईपीसीजी की बात करें तो गवर्नमेंट कहती है कि आप ऐसी मशीन इंपोर्ट कर सकते हो जिससे मैन्युफैक्चरिंग हो और गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद आप एक्सपोर्ट करो, ठीक है। इसी प्रकार से ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट लाइसेंस भी ऐसी स्कीम है जिसमें आप किसी भी इम्पोर्ट की ड्यूटी फ्री कर सकते हो, बट आपको कोई फॉरेन करेंसी उसके अगेंस्ट लानी होती है, उसके बाद ये लाइसेंस मिलता है, ठीक है। और प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं जो कि एज पर स्पेसिफिक कंट्री टाइप, जैसे आपका एशियन कंट्री का हो गया तो इनके बीच में जो ट्रीटी होती है उसके अगेंस्ट फ्री ट्रेड एरिया का एक सर्टिफिकेट जनरेट करती है वहाँ की इस कंट्री। तो इम्पोर्ट के टाइम हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय उस सर्टिफिकेट ओरिजिन का रेफरेंस देना होता है, उसका नंबर डालना होता है, उसके बाद वो ड्यूटी फ्री हो जाती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट हो गए आपके, ये हो गए ड्यूटी फ्री और इंसेंटिव प्रस्पेक्टिव का मतलब यहाँ पे आ गया कि इन चीजों, इन 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 लाइसेंस को यूज करने के बाद जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इंसेंटिव प्रस्पेक्टिव मतलब कि आपकी जो जो मशीन या आपने रॉ मटेरियल इम्पोर्ट किया उस पर आपको ड्यूटी नहीं देनी है, जिससे क्या होगा कि आपकी गुड्स की वैल्यू कम होगी और जब एक्सपोर्ट करोगे तो वो वैल्यू, उसमें आपका जो गुड्स की वैल्यू होगी वो कम होगी और आपका इंटरनेशनल मार्केट में आपका गुड्स
कम्पीट कर पाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही था कि डॉक्यूमेंट्स का टाइप्स क्या होता है और उनके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।